खाडाक न्यूज जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। भारत देश में आजकल किसान अध्यादेश जो बिल पारित हुआ है उसको लेकर किसानों में जोरदार विरोध हो रहा है। चाहे वो हरियाणा में पीपली आंदोलन हो या फिर सिरसा में दुष्यंत चौटाला व बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की कोठी का घेराव हो, हम आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में अब किसान संगठन आगे की रणनीति तैयार की है। किसान कानूनों के विरोध में 3 नवंबर को देश भर में चक्का जाम करेंगे। कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के 24 किसान संगठनों की गुरुवार को कुरुक्षेत्र की कंबोज धर्मशाला में बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता बाक्यू प्रदेशाध्यक्ष गुरुराम सिंह ने की। 3 अध्यादेशों के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए बैठक में हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व पंजाब सहित अन्य प्रदेशों में से किसान संगठनों के प्रतिनिधि एकजुट हुए। प्रदेशाध्यक्ष गुरुनाम सिंह ने कहा कि बैठक में सभी किसान संगठनों ने मिलकर निर्णय लिया है कि 3 अध्यादेशों के विरोध में 3 नवंबर को देश भर में चक्का जाम किया जाएगा। 3 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में हाईवे जाम रखे जाएंगे। गुरुनाम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र को ताक में रखकर राज्यसभा में किसान विरोधी 3 काले कानून पारित करवाए हैं और इन 3 विधेयकों की वजह से देश का किसान, व्यापारी और मजदूर सड़कों पर उतर कर विरोध जता रहे हैं, मगर सरकार के कानों पर जून तक नहीं रेंग रही, जिससे पता चलता है कि भाजपा सत्ता के नशे में चूर होकर किसानों की ताकत को अनदेखा कर रही है। इसलिए अब भाजपा को किसानों, व्यापारियों और मजदूरों की ताकत दिखाने का समय आ गया है। गुरनाम सिंह जी ने कहा, 3 अध्यादेश जो लाए गए हैं ये देश की गुलामी के वारंट हैं, खेती के डेथ वारंट हैं। वहीं बैठक में संतरा गोपाल दास ग्रामीण किसान मजदूर समिति के संयोजक रणजीत सिंह राजू, किसान यूनियन शामली के राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित मलिक, किसान कामगार महासभा के आयोजक वीरेंद्र सिंह भारत, हरियाणा किसान संघर्ष समिति फरीदाबाद के अध्यक्ष डी के शर्मा, भारतीय किसान मजदूर यूनियन प्रवल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पी सिंह जैसे बड़े बड़े नेता, किसान नेता है जो शामिल हुए व रणनीति बनाई। वहीं सीएड यानी श्रोमणी अकाली दल का एक प्रतिनिधि मंडल भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह व अन्य पदाधिकारियों से मिला। शहर की कंबोज धर्मशाला में हुई इस मुलाकात में श्रोमणी अकाली दल के प्रदेशाध्यक्ष रणजीत सिंह, मेंबर हरभजन सिंह मसाणा, तजिंद्र पाल सिंह लाडवा, तजिंद्र सिंह मक्कड़ व अन्य कार्यकर्ता के साथ मिलकर संघर्षरत गुरनाम सिंह को पार्टी की हरियाणा इकाई की ओर से आंदोलन में भागीदारी के लिए समर्थन पत्र सौंपा। प्रदेशाध्यक्ष गुरुनाम सिंह ने श्रोमणी अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल, राष्ट्रीय प्रधान सुखबीर सिंह बादल और बीबी शहर सिमरत कौर बादल का आभार जताते हुए कहा कि यह समर्थन इस आंदोलन में निर्णायक साबित होगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।